वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल प्लेयर्स रिकॉर्ड पे। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे KEN और TAN के बीच में जो एशिया T20 अफ्रीका कप सीरीज का जो ये मैच होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों ही टीमों के पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोस्तों, KEN का क्या रहेगा बैटिंग ऑर्डर इस मैच के अंदर, कौन सा प्लेयर किस ऑर्डर पर बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे, बॉलिंग क्या रहने वाला, यानी कि कौन से बॉलर कंप्लीट ओवर गेंदबाजी करेंगे, डेथ ओवर बॉलर का जानकारी मैं सारी चीज़ें आपको शेयर करूँगा। KEN की टीम हालांकि एक मैचेस खेला है, लेकिन TAN की जो टीम है बिल्कुल ही नया टीम है। दोस्तों, मैं आपको सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना दोस्तों, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है आपको मिल पाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो के नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा इस पर एक बार क्लिक कर दें, साथ ही साथ यहाँ पे जो बेल आइकन दिया हुआ है इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी एक बार सेलेक्ट जरूर कर लेना, ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का वीडियो मैं जैसे अपलोड करूंगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन जाएगा और सारे मैचेस का आपको जानकारी मिल पाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा बताया गया स्टैट्स पसंद आता है, इस वीडियो से अगर आपको जरा भी हेल्प मिलता है तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, आपका एक लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है, और सबसे जरूरी बात है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यहां पे आपको एक एरो का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके सामने शो हो जाएगा। इस ग्रुप में ज्वाइन करना जरूरी है क्योंकि लाइनअप के बाद आपको फाइनल टीम यहीं पर मिलता है। अगर कोई भी चेंजेस आएगा हमारे टीम में तो फाइनल टीम आपको यहीं पर शेयर कर दिया जाएगा। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक शेयर कर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जहां आप कमेंट करते हैं पहला कमेंट में मैंने लिंक आपको पिन कर दिया, आप आसानी से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टेट्स की ओर आगे बढ़ेंगे। ये जो मैच है 5:30 में ये मुकाबला होने वाला है शाम 5 बजे। दोस्तों, ये जो पिच यहाँ पे जो ग्राउंड रहेगा दोस्तों, ये जो ग्राउंड रहने वाला है यहाँ पे दोस्तों अविलोमोर पार्क में ये मुकाबला रहने वाला है। यहाँ का पिच कंडीशन की बात करते हैं, जिस प्रकार मैचेस अभी तक इस ग्राउंड पे खेला गया है, आपको 150 रन के आसपास एक एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पे देखने को मिलेगा 20 ओवर के गेम में, ठीक है। KEN की टीम दोस्तों ऑलरेडी एक मैच खेल चुका है इस सीरीज का, जिसमें से 161 का टारगेट इन्होंने दिया था, जो कि MAL की टीम जो है इस रन को चेज नहीं कर पाया था, और पहला मुकाबला KEN की टीम बहुत शानदार तरीके से जीतते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर पर अगर आप देखते हैं, ध्यान देते हैं दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर जो रहने वाला है यहाँ पे आपको ऋषभ पटेल खेलते हुए नजर आएंगे, जो टीम के ओपन करते हैं। पहले मैच के अंदर ओपन करते हुए 2 रन बनाया हुआ है दोस्तों, और इनके साथ यहाँ पे दोस्तों सुखदीप सिंह खेलते हुए नजर आ रहे थे, जो कि ओपन करते हुए 22 रन बनाया हुआ है। दोनों के दोनों टीम के ओपनर बैट्समैन है और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। मैं इन दोनों को ट्राई करता हूँ, जो टीम के बहुत बेहतर बल्लेबाज है, ठीक है। वहीं अगर आप देखेंगे जो फर्स्ट राउंड पे खेलेंगे, इरफान करीम जो कि टीम के फर्स्ट राउंड पे खेलते हुए इन्होंने 23 रन स्कोर कराया। एक चीज़ ध्यान देना कि ये जो लेफ्ट हैंड बैटिंग करेंगे दोस्तों, टीम का टॉप ऑर्डर पर बल्लेबाज है और आपको विकेट कीपर में नजर आएंगे, इनको ज़रूर से ज़रूर पिक करना है दोस्तों, बहुत बढ़िया प्लेयर है। शेम की बात करेंगे, टीम के कैप्टन है, और दोस्तों फोर्थ राउंड पर खेलते हुए पहले मैच के अंदर 0 रन बनाए थे, लेकिन 4 ओवर की गेंदबाजी में 2 विकेट इन्होंने निकाला था 29 रन खर्च करते हुए। बहुत अच्छे पिक रहेंगे दोस्तों, मिडल ऑर्डर पर बैटिंग के साथ साथ आपको 4 ओवर बॉलिंग भी करते हुए दिखेंगे, इनको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना, आपके लिए बेस्ट है। बाकी बात करेंगे लोकस के बारे में, तो राइट हैंड बैटिंग करेंगे प्लस राइट हैंड फास्टर गेंदबाज है दोस्तों। फिफ्थ राउंड पे बल्लेबाजी करते हुए 27 रन स्कोर करा था पहले मैच के अंदर, इसमें दोस्तों 12 रन खर्च किए थे लेकिन कोई विकेट नहीं निकाल पाए थे। लेकिन ये जो खिलाड़ी है मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग के साथ साथ दोस्तों आपको बॉलिंग भी करते हुए नजर आएंगे, आप चाहे तो इनको अपने टीम के अंदर आप ट्राई कर सकते हैं। नेल्सन की बात करेंगे तो यहाँ पे थर्ड डाउन पे खेलते हुए 26 रन स्कोर करा है टीम के दोस्तों, 3 नंबर पे बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। यश की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 4 ओवर की गेंदबाजी करा था, जहाँ पे देख सकते हैं 18 रन खर्च किए थे और 3 विकेट निकाला था। बढ़िया बॉलिंग करते हैं दोस्तों KEN के टीम की तरफ से, टीम के इंपॉर्टेंट गेंदबाज है और एज ए बॉलर इनको जरूर ट्राई करना, जो गेंदबाजी बहुत सुपर करते हैं, ठीक है। बाकी पटेल सेकेंड डाउन पे खेलते हुए 27 रन स्कोर करा है टीम के, राइट हैंड बैटिंग करेंगे दोस्तों, बढ़िया बल्लेबाज है और एज ए बैट्समैन को जरूर ट्राई करो, अच्छा फॉर्म पे हैं, और अगर आप चाहें तो कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन के लिए भी इनको ट्राई कर सकते हैं। मैंने पहले कहा था ऋषभ पटेल ओपन करेंगे, इनको ट्राई जरूर करना है, भले लास्ट मैच के अंदर थोड़ा जल्दी आउट रहा था, मे भी इस मैच के अंदर बढ़िया पारी खेले। विराज पटेल ये दोस्तों 4 ओवर की गेंदबाजी में 16 रन खर्च करते हुए 2 विकेट निकाले थे, टीम के बहुत बेहतरीन गेंदबाज है। वहीं सुखदीप सिंह की बात करते हैं, टीम के ओपन करते हुए 22 रन स्कोर करा है टीम के, राइट हैंड बैटिंग करेंगे दोस्तों, ये भी टीम के बहुत बढ़िया बल्लेबाज है। मैंने पहले कहा था इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों को अपने टीम के अंदर आप रख सकते हैं। बाकी बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे विराट के बारे में, तो 6 नंबर पे खेलते हुए 3 रन बनाए थे, इसमें 11 रन खर्च किए थे लेकिन कोई विकेट नहीं मिला। वहीं अगर नेक्स्ट खिलाड़ी की बात करेंगे दोस्तों, तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से फ्लॉप रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इनको आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप इनको ड्रॉप करना चाहते हैं, क्योंकि इनका रिकॉर्ड उतना बेटर रहा नहीं है पूरे टूर्नामेंट के अंदर। ये KEN का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जो इनके प्लेयर्स ने अभी तक परफॉर्म करा है। सारे प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर
आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सेम आपको इस मैच के अंदर भी बैटिंग ऑर्डर देखने को मिलने वाला है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, बैटिंग ऑर्डर आप माइंड पे जरूर रखना, ठीक है। बाकी TEN के जो टीम है दोस्तों, बिल्कुल ही नया टीम है, मैं इनका आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मोहम्मद अमारी खेलते हुए नजर आएंगे यहाँ पे। देखो सबसे पहले अगर इनका रिकॉर्ड देखेंगे, दो मैचेस इन्होंने खेला है अपने T20 करियर में, जहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों 23 रन स्कोर करा है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, और इनका रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे दोस्तों तो उतना बेटर है नहीं। अमल की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दो मैच के अंदर 11 रन स्कोर करा है। इनका रिकॉर्ड आप देख सकते, दोनों का मतलब विकेट कीपर मुझे कुछ खास लगा नहीं, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ कि KEN के जो यहाँ पे विकेट कीपर में रहने वाले हैं, यहाँ पे इरफान करीम जो कि टीम के फर्स्ट राउंड पर खेलेंगे, मैं इनके साथ जाऊँगा और आपको भी यही सजेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर भी आप देख सकते हैं, विकेट कीपरिंग भी करते हुए नजर आएंगे, तो विकेट कीपरिंग से कैचेस और स्टंपिंग से भी पॉइंट्स देंगे, साथ ही साथ टीम के टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज भी है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बैटिंग में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे तो इवान सुलेमानी खेलते हुए नजर आएंगे और बहुत बढ़िया प्लेयर है। आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, बैटिंग स्टाइल भी आप देख सकते हैं, नेशनलिटी भी आप देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको नॉलेज मिलेगा कि प्लेयर जो है कितना एज का है, मतलब कितने एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि 10 मैच के अंदर 302 रन स्कोर करा है, लगभग इनका अगर आप देखेंगे तो 22 साल हो रहा है, बढ़िया प्लेयर है, युवा प्लेयर है, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। अभी की बात करते हैं तो 10 मैच के अंदर 179 रन स्कोर करा है, 5 फरवरी 1987 में इनका जन्म हुआ था, बढ़िया प्लेयर है, आप इनको ट्राई जरूर करना दोस्तों। जितिन प्रताप सिंह जो कि यहाँ पे T20 में देखोगे तो 10 मैच के अंदर 150 रन प्लस 4 विकेट इनके नाम है, 28 फरवरी 1984 में इनका जन्म हुआ था, बढ़िया प्लेयर, आप ट्राई जरूर करना इनको, ठीक है। अखिल अनिल 4 मैच के अंदर 25 रन प्लस 8 विकेट, बॉलिंग के मामले में देखोगे तो इनका बहुत शानदार है, अखिल अनिल जो कि देख सकते हैं बढ़िया प्लेयर है दोस्तों, 4 मैच के अंदर यहाँ पे विकेट देख सकते हैं 8 विकेट निकाला है। वहीं ऑलराउंडर सेक्शन में देखोगे दोस्तों तो वहीं पे अगर यहाँ पे कैशिमो जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, मतलब राइट हैंड बैटिंग करेंगे प्लस राइट हैंड फास्टर गेंदबाज है, लेकिन कोई भी रिकॉर्ड T20 फॉर्मेट में ऐसा नहीं है जो इनके नाम दर्ज हुआ हो, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, आप इनको अगर आप चाहें तो अभी अवॉइड कर सकते हैं। बाकी सलूम ये 7 मैच के अंदर देखेंगे तो 61 रन प्लस 6 विकेट्स निकाले हैं दोस्तों, ये भी टीम के बढ़िया गेंदबाज है, बॉलिंग आपको करते हुए नजर आएंगे और राइट हैंड फास्टर गेंदबाज है, ये चीज़ थोड़ा सा माइंड में रखना, बॉलिंग आपको कन्फर्म करते हुए नजर आएंगे। जॉनसन देखोगे यहाँ पे 3 मैच के अंदर 6 रन प्लस 1 विकेट निकाले हैं। वहीं बॉलिंग सेक्शन में अगर आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पे जतिन कुमार खेलते हुए नजर आएंगे, 7 मैच के अंदर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 30 रन बनाया हुआ है और 10 विकेट निकाला हुआ है, बैटिंग कम लेकिन बॉलिंग के मामले में देखोगे बहुत शानदार गेंदबाज है और एज ए बॉलर इनको जरूर ट्राई करना, जो कन्फर्म आपको 4 ओवर तक बॉलिंग करते हुए दिखेंगे ही। बाकी यहाँ पे रजिकी की बात करते हैं दोस्तों, ये 1989 को इनका जन्म हुआ था, लेकिन कोई भी रिकॉर्ड नहीं इनके नाम दोस्तों। एली मेकवा की बात करेंगे दोस्तों, ये जो प्लेयर है 10 मैच के अंदर 37 रन प्लस 9 विकेट निकाले हैं, बैटिंग कम लेकिन बॉलिंग ये भी 4 ओवर कंफर्म करते हुए नजर आएंगे, राइट आर्म मीडियम बॉलर है। बाकी यहाँ पे हर्षित की बात करेंगे दोस्तों, 9 मैच के अंदर 56 रन प्लस 6 विकेट इनके नाम है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो शानदार है और इनको आप चाहें तो एज ए बॉलर ले सकते हैं। देखो TEN का ना यहाँ तक एक प्रॉबल प्लेइंग 11 है, लेकिन बेंचेस प्लेयर का भी रिकॉर्ड आप देख सकते हैं एक बार, यहाँ पे मेहता जो कि यहाँ पे 3 मैच के अंदर 2 रन बनाया हुआ है, और वहीं अगर बात करेंगे दोस्तों यालेंदे के बारे में तो इनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सारे प्लेयर्स का इन्फॉर्मेशन है दोस्तों KEN और TEN का। देखो KEN का बैटिंग ऑर्डर आप यहाँ पे इजी देख सकते हैं, TEN का नया टीम है दोस्तों, ये पहला मैच खेलेगा, सारे प्लेयर्स का आप यहाँ पे दोस्तों T20 का रिकॉर्ड आप इजी देख सकते हैं। हालांकि देखो मैंने आपके लिए डेमो टीम बनाया है, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है प्लेयर्स, जो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स लग रहे हैं मैं उनको सेलेक्ट करा अपनी टीम के अंदर, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि अपने साइड से ना एक दो प्लेयर जरूर से जरूर चेंज करना। चलिए टीम की ओर आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करेंगे सबसे पहले विकेट कीपर से। तो यहाँ पे आई करीम बेस्ट रहने वाले हैं, टीम के बहुत बढ़िया बल्लेबाज हैं, और एश सिंह भी बेस्ट रहने वाले हैं। इन दोनों बैट्समैन को मैं ट्राई करूँगा, जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, दोनों के दोनों टीम के टॉप ऑर्डर पे खेलने के लिए आते हैं, तो मैं इन दोनों इंपॉर्टेंट बैट्समैन को ट्राई करूँगा। देखो रिकॉर्ड आपने देखा है दोस्तों, ठीक है, मैं उसी के बेसिस पर टीम बना रहा हूँ, आप भी अगर बनाना चाहते हैं तो ईजी आप खुद अपने से टीम बना सकते हैं रिकॉर्ड्स को देखते हुए, जो मैंने वीडियो के अंदर प्रोवाइड करा है। बैटिंग में मैंने 3 बैट्समैन को ले रखा है, आर पटेल यहाँ पे KEN के टीम की तरफ से बेस्ट है, ठीक है। बाकी यहाँ पे सुलेमानी को ट्राई करूंगा, इनका T20 का फॉर्मेट देखोगे ना बहुत शानदार है, और इस वजह से मैं इनको ट्राई करता हूं। बाकी ऑलराउंडर में देखेंगे तो मैंने यहां पे दोस्तों 3 ऑलराउंडर को ले रखा है, जिसमें से KEN के टीम की तरफ से इनका रिकॉर्ड शानदार है, और TEN के टीम की तरफ से बाकी के मैंने दोनों प्लेयर को ले रखा है, ये दोनों के दोनों बहुत बढ़िया प्लेयर है। वहीं रहा बॉलिंग की बात, तो मैंने 3 बॉलर्स को ले रखा है, जिसमें से KEN के टीम की तरफ से ये कंप्लीट आपको यहाँ पे बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे दोस्तों। बाकी TEN के टीम की तरफ से ये भी टीम के शानदार गेंदबाज है, और KEN के टीम की तरफ से मैंने इनको ट्राई करके रखा है। अब रहा टीम प्रीव्यू की बात, तो कुछ इस पर
प्रकार का रहा है दोस्तों, जिसमें से कैप्टनसी के लिए आर पटेल बेस्ट हैं, क्योंकि लास्ट मैच के अंदर बहुत बढ़िया इन्होंने स्कोर दिया है दोस्तों टीम को, और वाइस कैप्टनसी के लिए मैं इनको ट्राई करूंगा, जो T20 फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे तो बहुत शानदार इनका रिकॉर्ड रहा है। तो ये मेरे साइड से टीम है, इसमें अगर आपको एक दो प्लेयर चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।